क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं बी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी कीजिए और नीचे कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद भी लाजमी लिखें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना नवा मैच बांग्लादेश के खिलाफ 5 जुलाई को खेलेगी। तफसीलात के मुताबिक दोनों टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम ने जीत के लिए कमर कस ली है। दोस्तों, शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानी टीम नवा मैच बांग्लादेश के खिलाफ 5 जुलाई को लॉर्ड्स के मुकाम पर खेलेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमों के दरमियान मैच 3:30 बजे शुरू होगा। दोस्तों, कौमी क्रिकेट टीम आलमी कप 2019 का आखिरी लीग मैच खेलने के लिए लंदन पहुंच गई है। कौमी टीम आज आराम करेगी, प्रैक्टिस का आगाज कल होगा। पाकिस्तान टीम 9 पॉइंट के साथ 5वीं पोजीशन पर है। दोस्तों, याद रहे कि 2 रोज कबल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम मैच खेला गया था। अफगानिस्तान की जानब से दिया गया 228 रन का हदफ पाकिस्तान टीम ने आखिरी ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। इमाद वसीम और वहाब रियाज ने शदीद दबाव में भी जुमा दराना बैटिंग की फतह के बाद पाकिस्तान पॉइंट टेबल पर 4थी पोजीशन पर आ गया, जबकि सेमीफाइनल तक रसाई के लिए कौमी टीम को इस मैच में फतह हासिल करना लाजमी थी। दोस्तों, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचना चाहता है तो बांग्लादेश को कम से कम 150 रन या फिर 8 विकेटों से शिकस्त देना होगी ताकि पाकिस्तान का रन रेट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से अच्छा हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।